और ये डॉट से ये दूसरा डॉट, दोनों 4.1 सेंटीमीटर मतलब 41 mm, 41 mm ये डॉट से इधर डॉट और ये डॉट से इधर 41 mm का। मालूम पड़ा कि नहीं पड़ा? चलो फिर से एक्सप्लेन। हाँ सर समझ आ गया। आ गया तो 41 दो डॉट कर दो बस, 41 mm 41 mm मतलब टोटल 4 डॉट होगा। देख लो 4 हुआ करके देखो। बराबर है? वो जो स्कोर बोर्ड है ना, उस स्कोर बोर्ड में पहला डॉट से काउंट कर ले, फिर ये बाजू पहले डॉट से 41 है, तो तीनों मुस्ली इक्वल हो जाएगा। देखो ऐसा कांच का जगह है ना, थ्री साइड मुस्ली इक्वल हो जाएगा, 1 mm प्लस माइनस चले, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अच्छा थ्री साइड कितना होना चाहिए? चलो अप्रोक्स कोई बताएगा। देखो हो गया, सही बात है। देखो पहला 1 सेंटीमीटर पॉइंट करना है, इसके बाद 41 mm में डॉट करना है, बाद में 41, बाद में 41 तो हो जाए, लेकिन दो साइड से 1 सेंटीमीटर करने के बाद 41 41 जाने। हो गया सर। ओके तो अभी देखो ये इसको ये जो वाला डॉट किया ना वो अपना स्पाइन हो गया, और ये वन साइड इवन करना ऐसा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, देखो ऐसा और ऐसा, ये देखो मैंने किया, और बाद में ये ऐसा को क्लिप लगा देना, देखो ऐसा तो लगा दिया। ठीक है, कोई अगर क्लिप नहीं है तो किसी को घर में बोलना कि ऐसा दबा के रखे, और बाद में नीचे देखो मेरे पास इस एक्चुअली में क्या है, ये नकड़ा जी हाफ एम एम थिकनेस होगा या 1 इंच थिकनेस होगा, ऐसा एक लकड़े का पीस चाहिए जो वेस्ट है, ऐसा कोई स्पेशल नहीं है, वेस्ट लकड़ा चाहिए। और ये देखो मैंने क्या किया, मेरे पास लकड़ा नहीं था तो मैंने ये दो स्क्रू बोर्ड लिया, एक मीटर का टुकड़ा लिया और ये दो नीचे स्क्रू बोर्ड लगाए, ऐसा करके एक वुडन पीस जैसा कर दिया। अंडरस्टैंड पॉइंट? तो आपको घर में क्या करेंगे, आपको कहीं टुकड़ा मिल जाएगा लकड़ी का, तो लकड़ी का टुकड़ा रख देना नीचे, बाद में अपने को वो जो अपने कंपास में ऐसा शार्पनेस वाला होता है वो ऐसा रख के ये करना है, और पेपर बीच में ज्यादा मत रखना, 30 से ज्यादा मत रखना, 30 से ज्यादा रखेगा तो ड्रिलिंग करना पड़ता है, और ये थोक के करना होता है तो 30 पेपर और टॉप बॉटम कवर और ऐसा नीचे लकड़े का तो चाहिए ही, और आपके पास कुकर तो नहीं होगा ऐसा, तो एक कुकर है देखो बर्फ तोड़ने का, आइस जो आता है उसको तोड़ने के लिए होता है ऐसा शार्प, ये मेरे को लिखने का रह गया था आपको लाने के लिए, वो अभी आप एक काम करो, जो आपका आपका कंपास होगा इसके अंदर एक शार्प वाला होता है मालूम है? हाँ सर। हाँ तो उसका शार्पनेस का यूज कर लेना, और ऊपर से थोड़ा हैमर से ठोकना है, हैमर ठीक है, और हैमर कहीं से ठोकना या कोई पत्थर ले लेना वो भी चलेगा, पत्थर थोड़ा तो 1 इंच थिकनेस वाला होगा तो चलेगा, नो प्रॉब्लम, खाली इसको ठोकना ही है। तो अभी आपको मालूम पड़ा नीचे वुडन का लकड़े का वेस्टेज पीस रख देना, अप्रोक्स 4-5 इंच विड्थ होए और लेंथ कुछ 5-6 इंच होए, 5 इंच होए 6 होए 8 होए चलेगा, और विड्थ भी कम होगा तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, विड्थ 2-3-4 इंच होगा तो चलेगा, धीरे से संभाल के रखना बराबर। तो आप लकड़े का पीस तो चाहिए, फिर क्या करना है, ऐसा पाटली, पाटली अंदर से वो सीटी का पाटली आता है उधर, तो हाँ
हाँ सर हाँ उसको उल्टा कर दो, उल्टा करके इसके ऊपर ये कर सकते हैं। और वुडन का वो तो अच्छा है, कभी क्या होता है आस्तीन बैठने के लिए अच्छा, दिखने के लिए अच्छा, वो चलता भी अच्छा है आस्तीन, लेकिन कभी कभी बैठने के लिए लकड़े का भी होता है। तो उसको उल्टा कर दो और उल्टा करने के बाद इसके ऊपर एक बुक रख दो, बस हो गए। तो ये तुम्हारा पैकिंग नीचे का हो गया, तो ऊपर गिराने के लिए आप इतना जरा कर लो। एक तो कंपास का शार्प वाला डूबा, फिर ठोकने के लिए हैमर चाहिए, हैमर घर पे है तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। इधर वो कोई पत्थर ले, थोड़ा हैवी होना चाहिए, और ये नीचे का लिए कोई स्टिक वुडन पीस, वुडन लकड़ा चाहिए, वुडन पीस। सर हाँ सर, वो कलर पेपर का जो साइड हमने फोल्ड किया वो बाहर के साइड जैसे खुलता है वो साइड है ना? देखो बाहर है वो, खुलता नहीं है वो है जो अभी हाँ, मतलब फिर से मैं रिपीट मारता हूँ। देखो ये बाहर वाला फोल्डेड है, ठीक है हाँ, हाँ। देखो मैं ये फोल्ड और इधर मैंने होल बनाया और खुला हुआ है, जो जो दो पीस दिखता है खुला वो साइड होल गिराने का है। ये स्पाइन अच्छा हुआ तो सबको मालूम पड़े, और ये सबको मिल जाएगा, वो कोकर जैसा हैमर वो सब मिलेगा। सब किसी और चीज से कर देंगे, किसी और चीज से किससे करेंगे? तो चाहिए ना शार्प वाला एप्रोक्स, क्या तुम्हारे पास वॉइस नहीं चलेगा? वॉइस नहीं होगा ये याद रखना। तो आप ऐसा वो मालूम है आप निकाल लेना, बड़ा जो कहीं बाहर जाके भूख कटीला आता है वो क्लियर करना है, सोया होता है वो चले तड़तड़ है, मैं उसको सोया बोल गया, वो मेरा साथ जाना पड़ेगा जहाँ कटिंग मशीन है उसको, और वहां से बाइक स्लिप नहीं लाया। अच्छा ठीक है, अभी ये आप कर लेना बाद में, को जैसे थ्री साइड निकल पोकर ला लेना, ऐसा पोकर बहुत मिलता है। देखो ये पोकर दिखाई देता हूँ, देखा सबने, आगे से शार्प है, इधर हैंडल है मतलब पकड़ने के लिए थोड़ा अच्छा है, और ऐसा ऐसा ला दे ऊपर और आगे से शार्प होना चाहिए, ठीक है? ये देख लिया? हाँ सर, हाँ सर। हाँ तो अभी आप बाद में भी कर सकते हैं, जरा आज बराबर देख लो, तो आपके पास टाइम तो है तो कभी भी कर ले। देखो अभी मैंने ये ये ये, ये इवन किया और ये फोल्डेड बाद बाहर रखा, और जहाँ बाहर रखा वहां से ये क्लिप लगा था ताकि हिलना नहीं चाहिए, और वही क्लिप लगाने का ताकि ऐसा इवन करते पाए। देखो मैंने एक इवन करता ऐसा और ऐसा और ऐसा, और स्पाइन से एकदम इवन चाहिए। देखो मैंने एकदम इवन कर दिया, ठीक है? नीचे का बॉटम, नीचे वाला कागज और ऊपर का टाइटल तीनों इवन कर दिया इधर से, और इधर से भी इवन किया, और आगे क्लिप लगा दिया, ठीक है? क्लिप हाँ, तो अभी ये बाजू अभी होल गिराने का है। देखो मैं कैसा गिराता हूँ, ये मेरा हैमर जैसा है, हैमर ही है, इसको देखो। अभी इसको मैं ऐसा ऊपर से ऐसा रखूंगा और ऐसा करके एक होल हो गया, दूसरा होल करेगा ऐसा ही। देखो मैंने आगे से लगा के रखा है तो हिलता नहीं, घुमा के निकालने का घुमा के निकाल लेगा, और क्या और जो बाहर होता है ना उसमें तो क्या होता है ऐसा ही होता है, ड्रिलिंग मशीन होता है, पेपर ड्रिलिंग मशीन, उसमें भी हो जाता है। आप लोग इधर होता है ना, तो मैं इधर आपका वर्कशॉप है ना, उधर ही भेजता हुआ ड्रिलिंग करवा देता, ठीक है? मैं बताया
अभी मैं पीछे देखता हूँ कि बराबर होल हुआ कि नहीं हुआ तो है, लेकिन थोड़ा कम है तभी फिर से थोड़ा रिपीट मार तो थोड़ा नया हो जाए। चलो अभी ये क्लिप निकालने का नहीं, ठीक है ऐसा ही रखना। और अभी मैं ये नीडल के अंदर एक टाइम थ्रेड लिया है मैंने, देखो ऐसा करके ये जो अपने जहां से ये होल गिराया वो जगह से एक टाइम 1 2 3 ये 4 ये 5 6 7 ऐसा करके एक टाइम लिया है बराबर। और एक टाइम करके ये मैंने नीडल में डाल दिया है, देखो ये मैंने डाल के रखा है तो टाइम अपना सेव हो गया बराबर। अभी अभी आपको समझ में आया इतना कि नहीं आया? चलो फिर जो आंसर। हाँ सर आ गया समझ में। यस सर। हाँ कितने टाइम लेने का? एट टाइम थ्रेड 1 2 3 4 और ये डबल है तो 8 टाइम हो गया बराबर। हेलो हाँ सर हाँ एक टाइम हो गया, बाद में ये दोनों का इधर नॉट लगा देते हैं ऐसा, ये मैंने नॉट लगा ठीक है तो ये निकल नहीं जाएगा। अच्छा अभी मैं आगे का चालू करता हूँ, देखो जहां से तुम चालू करेगा ना वहां लास्ट में फिनिश होगा। तो देखो ये मैं नीचे से चालू किया क्योंकि मेरे को नीचे नॉट लगा नॉट लगाने का है फाइनल, तो मैं नीचे से चालू किया ये तो ये बॉटम है तो ये नीचे से चालू किया बराबर, तो ये नीचे से ऊपर आया ठीक है। फिर इसको पकड़ के रखना है, ये धागा नीचे है देखो ये धागा लास्ट में जो नॉट वाला रहा ना वो नीचे है वो मैंने खाली पकड़ के रखा है। फिर से मैं ऐसा करूंगा, देखो अभी मैं नीचे से ऊपर आया था अभी फिर से नीचे से ऊपर आऊंगा, ये थोड़ा ख्याल करना है ना। चलो यहाँ तक किसी को मालूम पड़ा नहीं पड़ा? देखो मैंने क्या किया था, पहले नीचे से ऊपर आया फिर ऊपर से फिर से नीचे से ऊपर आया और ये धागा आया, तो यहाँ तक मालूम पड़ा नहीं पड़ा? देखो ये नीचे से ऊपर आया तो ये लास्ट नॉट वाला इतना बच गया 4 इंच मैंने बचाया, और बाद में नीचे से ऊपर आके खींच के फिर से ऊपर से नीचे से ऊपर आया तो यहाँ तक मालूम पड़ा नहीं पड़ा? हाँ सर हाँ वेरी इजी, नीचे से ऊपर आया फिर से नीचे से ऊपर आया और इधर लास्ट वाला जो नॉट वाला पार्ट था उसको मैंने 4 इंच इतना अप्रोक्स छोड़ दिया और बाद में क्या किया धीरे से ऐसा खींचा दोनों तो इधर टाइट हो गया स्पाइन टाइट देखा। और ये क्या है ये दो में आटी ना लगे देखो मैंने उठा के रखा देखा मस्त दिखता मतलब विंकल नहीं होना चाहिए एकदम सीधा बैठना चाहिए तो थोड़ा अच्छा जचेगा मतलब अच्छा लगेगा। अभी ये ऊपर आया बराबर, अभी क्या करना है वो देखो ऊपर आया अभी साइड में जाना है ये साइड देखा पहले इधर स्पाइन में से पहले नीचे से ऊपर आया ऊपर से फिर से नीचे से ऊपर आया अभी ये साइड जाना है ये मालूम पड़ा सर? यस ऊपर से अभी इधर नीचे से ऊपर आना है और ये धागा को ऐसा दबा के रखना है ताकि इसको स्पेस मिले निकलने के लिए, तो डबल किया है आपने धागा
इधर स्पेस नहीं मिलेगा, तो ये थोड़ा दबा के रखना है और धीरे धीरे मीटर निकालने का है और बिठाने का। तो तुम्हारे सामने ही मैं करता हूँ, ये बोलना नहीं कि मेरे को नहीं है भाई याद नहीं है, और ऐसा हो ना तो कभी अभी आज नहीं हो सकता है, कभी भी पूछना है तो मेरे को फोन करके पूछना। और तो ये देखो मैं ये दो धागा को आटी लग जाती है, मैं थोड़ा निकाल देता हूँ और सिंपल कर दूंगा, मतलब थोड़ा अच्छा लगे, अगर आटी होता है तो बराबर मतलब दो पैरेलल अच्छा बैठना चाहिए। देखो अभी क्या करने का है, यहाँ तक मालूम पड़ा सबको और ऐसा टाइट करते रहने अभी ये इसमें क्या पूछना है बोलो, जा यहाँ तक मैं आ गया तो यहाँ सबको मालूम पड़ा, पहले स्टार्टिंग नीचे से ऊपर आया, ऊपर से फिर से नीचे से ऊपर आया, फिर साइड में गया, साइड में से जाने के बाद नीचे से ऊपर आया, और फिर मैंने क्या किया ये नीचे वाला खींचा और ऊपर वाला खींचा, तो ये और ये दोनों थ्रेड टाइट हो गया। Are you agree? नहीं समझ आ रहा सर। हाँ तो अच्छा पहले वाला जो मैंने नीचे से ऊपर आया, ऊपर से फिर नीचे से ऊपर आया, वहां तक मालूम? हाँ सर वहां तक पता है। हाँ तो ऊपर आया है तो ऊपर में से अभी साइड में जाना है और साइड में से नीचे से ऊपर आना है, साइड में जाने के बाद फिर नीचे जाना है और नीचे से ऊपर आना है, अभी मालूम पड़ा? नहीं साइड आप धागा लेके फिर ये स्पाइन में नहीं आना है, साइड में जाना है, देखो ये साइड दिखाई देता है, ये देखो ये आपने पहले इधर किया, अभी ये साइड जाना है ये, और इधर से जाके फिर नीचे से ऊपर आना है, बोलो अभी मालूम पड़ा कि नहीं पड़ा? पहले आपने इधर किया, इधर से इधर, इधर से इधर, फिर इधर से ऐसा ऐसा ऊपर आया था सर, अभी मालूम पड़ा? हाँ सर। ये नहीं पड़ा? हाँ सर पड़ा, पड़ा पड़ा ना, अभी साइड में से अपने साइड में गया फिर नीचे से ऊपर आया और ऊपर आने के बाद ये जो छोटा ये छोटा पीस था उसको खींचा और इसको खींचा, तो ये कॉर्नर टाइट हो गया, ये धागा और ये धागा ये किधर आया और एक साइड में आया, वो धागा टाइट हो गया बराबर, ऑटोमेटिक हो ही जाएगा अगर तुम सही सही काम कर रहे हो और खींच के टाइट कर रहे हो तो वो टाइट रहेगा, तो यहां तक बराबर है, मैं आगे बढ़ू? हाँ सर। हाँ अभी देखो ऊपर आया है अपने, बराबर ऊपर से फिर नीचे जाना है बाजू के ओर में ही से, देखो ये इधर आया था तुम लास्ट में से बाजू में से जाता, देखो ये हाँ अभी दिखाई देता है, अभी दिखा सर दिखा, हाँ ये ऊपर आया था, ऊपर में से बाजू के ओर में नीचे गया और अभी नीचे से मैं फिर से ऊपर आऊंगा, अरे नीचे ऊपर से नीचे गया अभी नीचे से फिर ऐसा राउंड ले लेगा, देखो ये मालूम पड़ा यहां तक, चलो नहीं पड़ा, यहां से नीचे गया, नीचे से ऐसा करके फिर से नीचे गया और अभी नीचे में आ गया, लेकिन अभी यहां तक मालूम पड़ा सर, आप सोच के मेरे को बताओ, देखो ये पोजीशन हुआ है, नहीं दिख रहा
लिखो। अभी लिखा? हाँ सर। हाँ तो इधर से इधर गया, फिर नीचे निकला, नीचे से फिर वापस नीचे गया, तो ये 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 थ्रेड इधर आ गया, बराबर है? ये थ्रेड दिख गया इधर आया सर, दिख रहा है। हाँ तो अभी इसको खींचना है थोड़ा, और इतना इतना नहीं खींचना है कि टूट जाए, लेकिन मीडियम टाइट रखना। तो ये मैंने टाइट कर दिया, अभी मैं कहाँ आया हूँ? नीचे आया हूँ, बराबर है? आर यू एग्री? यस सर। हाँ अभी मैं क्या करूंगा, नीचे से ऊपर आऊंगा। देखो ये नीचे वाला पोजिशन, ये लूंगा, ये नीचे से ऊपर आया, तो ये पोजिशन हुआ, देखा? हाँ सर। हाँ आपने इधर से फिर नीचे, इधर से फिर नीचे गया था, नीचे से अभी नीचे से धागा है, तो नीचे से मैं साइड का होल में नीचे से ऊपर आया। अभी क्या करना है, फिर से वही रखता है इसको, ऐसा करके फिर से वही होल में जाना है। देखो ये मिल गया, तो ये दिखा अभी आपको, देखो बराबर देखना। और मैं क्या करूंगा, इसको टाइट करते रहता हूँ खींच के, ताकि लूज गिरेगा जो बराबर हो जाए। देखो ये बराबर है, अभी देखो मैंने क्या किया, यहाँ से आपने नीचे आया था, नीचे से इधर 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 गया, नीचे से फिर ऊपर आया, ऊपर से फिर नीचे से ऊपर आया, तो अभी ऊपर आ गया, बराबर है? देखो ये ऊपर आ गया हूं, तो वहां तक सबको मालूम पड़ा कि नहीं पड़ा ये? हाँ सर। हाँ कंफ्यूज नहीं है ना? नहीं सर, समझ आ गया। हाँ वेरी गुड। देखो अभी मैं ऊपर आ गया हूँ, अभी मैं आगे जाता हूँ, देखो ये अभी साइड उसका आगे होल में जाऊंगा, लास्ट वाला ये गया हुआ दिखाई देता है, दिखाई दिया? ऊपर आया था तो ऊपर से नीचे गया, तो इतना दिखाई दिया? हाँ सर। हाँ देखो मैंने थोड़ा टाइट कर लिया, टाइट मतलब थोड़ा खींचा, ताकि क्या है ये आगे वाला लूज ना है। अभी इधर आया, बराबर? अभी क्या करना है, ये देखो ऊपर से नीचे आया हूँ, तो अभी मैं फिर से ऐसा ऊपर से नीचे गया, अभी नीचे से फिर से ऐसा ऊपर आने, ऐसा। और ये दो धागा है ना, उसको अच्छा तरह से बिठाने का है, तो थोड़ा अच्छा लगेगा, मतलब तुम जैसा तैसा करेगा ना तो फिर जचेगा नहीं, जचेगा मतलब शो नहीं आए, जो दिखना चाहिए ना ऐसा दिखना चाहिए। जो मैंने टाइट कर दिया ये, अभी अभी मालूम पड़ा, यहाँ से मैं आया था नीचे गया, फिर नीचे से वापस नीचे गया इधर आके, और अभी मैं ये साइड नीचे से यहाँ तक आया, नीचे आया, तो नीचे से अभी ये साइड में जाना है, जैसे इधर से ऐसा गया था ऐसा अभी इधर से ऐसा आना, मालूम पड़ा? हाँ सर। हाँ तो अभी ये नीचे से ऐसा आके ऊपर से नीचे जाने, तो ये ठीक है। देखो यहां तक मालूम पड़ गया सबको, देखो ये कॉर्नर बन गए, जैसा ये बना था इधर दो धागा, ऐसा सेम इधर बना, दिखाई देता है? दिख रहा है। हाँ तो अभी क्या है, देखो मैं टाइट करते रहता हूँ, लेकिन ये क्या है, तो सही सही सिलने के लिए ये टाइट नहीं करेगा तो लूज गिरेगा, तो जरा टाइट करते रहना, और बाद में लूज हो गया तो जहाँ से ओपन हुआ ना वहां से ये छेड़ा पकड़ के ये वन बाय वन टाइट करते रहना, तो हो जाएगा टाइट, बराबर? अभी मैं यहाँ से इधर गया तो दोनों बाजू एक हो गया, बराबर? अभी देखो ये स्पेस गिर गया इधर और इधर, ये दिखता है नहीं दिखता है? देखो ये इधर थ्रेड आया,
इधर नहीं आया, इधर नहीं आया, दिखाई देता है? हाँ सर। हाँ बराबर दिखाई देता है? हाँ सर दिख रहा है मैं। हाँ तो अभी क्या करेगा, ये नीचे आया है तो नीचे से इसमें जाना है साइड के ओर से ऊपर। सॉइल फिर खींचने में थोड़ा दिक्कत होता है लेकिन खींच गया खींचे। देखो ये मैं ऊपर आया बराबर, ये ऊपर आया, अभी क्या करेगा देखो, ये धागा इधर आया है, इधर आया है, इधर भी आ गया, इधर भी आ गया, लेकिन ये पोर्शन खाली है, दिखता है? हाँ सर। हाँ तो देखो यहाँ ये कॉर्नर बन गया, ये कॉर्नर बन गया, ये धागा आया, ये धागा आया, अभी ये नहीं आया, तो अभी यहाँ से नजदीक में वही है और लाइन में जाने का है, तो ये नहीं, मैं बाजू वाले ओर में गया, ये दिखाई दिया, ये ऊपर आया था, ऊपर से साइड में से नीचे गया, इधर ऊपर आया था, तो इधर जगह थी और जगह नहीं हो तो अभी यहाँ से इधर ही जाना था और ये जगह था उस फिर गिरेगा ही, तो ये इसमें से मैं नीचे गया, अभी इतना दिखाई दिया, ये देखो यहाँ से, यहाँ से मैं इधर गया और ये नीचे धागा आया, ये बराबर है? हाँ सर। हाँ तो अभी मैं उल्टा करता हूँ, ये बॉटम अभी क्या करेगा देखो, ये जो धागा आया उसको थोड़ा खींचा और खींचने के बाद इसके अंदर नॉट लगाने का, तो ये जो धागा है ना इसमें से मीडियम निकाल के देखो मैंने क्या किया, ये यहाँ आया था धागा, यहाँ से ये दो कॉर्नर था उसमें से ऐसा निकाला और निकालने के बाद ये खींचा और खींचने के बाद इसके साथ ही रोल गिरा, अरे नॉट लगा देने के बाद सिंपल नॉट दो लगा दो, ये हो गया। और ये धागा है ना वो थोड़ा आप कितना बड़ा रखता है वो आपके ऊपर डिपेंड है, कोई ज्यादा बड़ा रखता है, कोई लिमिट में रखता है, ऐसा सब है। इसको सीजर से काट ये अच्छा काट, देखो ये सीजर बराबर है, तो ये सीजर से दोनों साथ में कटना चाहिए एकदम ऐसा, ये हो गए। और कभी भी नहीं निकालने का है तो इधर एक थोड़ा फेरी फोड़ का तपका मार देते ताकि वो कभी भी नहीं नॉट निकलेगा नहीं, ये नॉट अपने दो लगाया लेकिन अच्छा अभी अभी ये इसमें मालूम नहीं पड़ा है, सब मालूम पड़ा है मैंने कैसे नॉट लगाया नहीं पड़ा ना, तो पड़ा समझ आ गया सर, समझ आ गया सारे बेरे में। चलो तो अभी क्या करना है वो देखो, अभी ये जो ये थ्रेड आया दिखाई दे रहा, ये लाइन आया सीधा थ्रेड आया वो ये थ्रेड सलंग इधर अंदर बाहर होके सब ये ऐसा लाइन दिखता है थ्रेड का, ये लाइन दिखता है थ्रेड का सिलाई का दिख रहा। हाँ तो उससे 5 mm छोड़ के वो थ्रेड से अप्रोक्स 5 mm छोड़ के ये क्रीज करना है, ओपन क्रीज बोलता है। देखो ये मेरे पास तो ऐसा आइवरी है इसको कटर बोलते हैं, ऐसा शार्प चाहिए लेकिन कटर नहीं चलेगा, कटर से करेगा तो कट जाए, लेकिन डिजाइनर लोग कटर उल्टा यूज करके थोड़ा क्रीजिंग कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा तो कुछ दूसरा कुछ से हमारे पास तो ये आई मेरी है तो हम अप्रोक्स 500 ले लेगा और ये अच्छा नहीं। हाँ अभी देखा, देखो मैंने ये जो 500 धागा है तो धागे से 500 ले लिया और ऐसा करके मैं एक क्रीज गिरा और स्केल को बराबर दबा के रखना है, हिलना नहीं चाहिए, ऐसा ऐसा 3-4 बार घिसेगा
प्लीज गिर जाता है, लेकिन ऐसा ही चाहिए सार। और मास प्रोडक्शन होता है तो मशीन में क्रेजिंग हो जाता है, इसको क्रेजिंग बोलता है। होल्ड करने के लिए कार्ड होता है, उसको ये जो अपने करते हैं उसको क्रेजिंग बोलते हैं। और ऐसा करके फिर इसको बोलते ये देखो है ऐसा करो, ये ओपन करने के लिए मैंने तो इजी अपने आप कुछ लिखना है तो अभी दिखाई देता है सब। हाँ सर, हाँ दिखाई दिया नहीं, देखो ये क्रेजिंग हो गया और ये यहाँ से ऐसा खुल सकता है। क्रेजिंग किसके लिए? ओपन के लिए, जैसे हार्ड बाइंडिंग में आपने ग्रू छोड़ा था मालूम है 7 mm जैसा, तो ओपन करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। मतलब ये जापानीज माइनिंग रेडी, ठीक है मालूम पड़ा। देखो ये पीछे नॉट मार दिया, दो नॉट मार दिया तो ऐसा हो गया, तो ये जापानीज माइनिंग बोलता है, लूज सीट को किया जाता है, ठीक है। अभी मैं दूसरा एक देखो, ये 5 होल का है, देखो ये कितना होल है 1 2 3 4 5, इसको चाइनीज बार बोलता है, चाइनीज माइनिंग। देखो ये रहा, दिखाई देता है, लेकिन इसमें मैंने कवर नहीं लगाया, लेकिन ये फोल्डेड कागज बने बेजी करके बना, देखो फोल्डेड ये खाली दिखाने के लिए, लेकिन टॉप बॉटम कवर तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन मेरे पास नहीं था, मैंने ऐसा ही कर डाला क्योंकि पेपर बहुत बढ़िया था, पिंक वाला था। देखो तो ये मैंने 1 2 3 4 5 होल का बनाया, मतलब इसकी चाइनीज माइनिंग होते हैं, और फोर होल होगा 1 2 3 4, तो इसको जापानीज बोलते हैं। तो ये आपको दिखाई दिया, और ये नड़ा से यूज किया है, देखा दिखाई देता है? हाँ सर, हाँ दिखा, अभी अभी दिखा, ये नड़ासरी है, नड़ासरी अंडरस्टैंड मैरिज में यूज होता है, वो धार्मिक पूजा में यूज होता है, ये दिखता है के? बराबर है? हाँ, कितना होल है 1 2 3 4 5 होल, मतलब चाइनीज, 4 होल मतलब जापानीज, बराबर। सुनो अभी अभी ये आप जापानीज माइनिंग कर सकते हैं बराबर, लेकिन देखिए तुम्हारे क्या थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन आप संभाल के करना, अगर स्किल डेवलपमेंट करना है तो आपको करना तो पड़ेगा। अभी क्या आइडिया लगाते हैं आप, कुकर लाते हैं कि नहीं, या कंपास का जो एक खबर एक शार्पनेस आता है उससे करते हो, पर लेकिन आपको इतना मालूम होना चाहिए कि 2.5 mm टाया तो बनना ही चाहिए, बिकर फिर ये थ्रेड डबल वाला लेना है तो किस तरह से सिंगल लेंगे तो जचेगा भी नहीं और टाइट भी नहीं होगा, बराबर है, अंडरस्टैंड? यस सर, यस, ठीक है। अभी मैं एक दूसरा एक बोलता हूँ, देखो अभी अपने ये एक टाइटल है, देखो ये NID का सिंबल दिखता है, ये 2019 का डायरी है वो लोग का, और उसका कवर है, अभी दिखा बराबर है, देखो ये फोल्डेड है और यहाँ से फोल्ड किया है और इधर से इसमें स्पाइरल बाइंडिंग किया था, और स्पाइरल बाइंडिंग सबको पता है, चलो बोलो। देखो ये टाइटल है, यूवी किया हुआ है, दिखता है यूवी किया है? हाँ सर, हाँ यस सर, हाँ, और ये टाइटल को यहाँ क्रेजिंग किया है मशीन में ताकि अच्छा फोल्ड हो और क्रूकेड ना हो, अगर मशीन में क्रूज किया होगा तो क्रूकेड नहीं होगा और फटेगा नहीं, और ये टाइटल बन गया और यहाँ से इतना दूर रखा है, ये दिखाई देता है दूर है? देखो नहीं दिखाई देता, 2 cm दूर है ये, हाँ सर, हाँ, तो ये कवर हो गया और रूट ऐसा खुलेगा, देखो ये उसका फ्रंट साइड है, ये हेड है, तो ये ऐसा, तो ये स्पाइरल बाइंडिंग होता है, और दूसरा कौन सा होता है पता है सर? पायरो, सबको पता होना चाहिए,
बायरो मतलब ऐसा होता है, ऐसा करके ऐसा दबा दो, इसके अंदर पेपर डाल दे, और पेपर डालने के बाद मशीन के अंदर ऐसा वायर प्रेस कर दे। वो देखा है दो दो टू टू का वायर होता है टू टू सेट में, आपने देखा तो होगा। हाँ सर देखा। हाँ तो उसको वायरो बोलते हैं, जो दो दो वायर साथ में होगा और उसको ऐसा खुला होता है ऐसा, और तुम तागा जो होल पाट के वो उसका खुला होता है, उसका ये जो पेपर होता है ना वो उसका होल के मुताबिक होता है, तो तुम पेपर इसमें डालेंगे तो इजी अंदर चला जाएगा, फिर बाद में उसको प्रेस कर। तो पहले क्या डालना है टाइट डाल, इसके बाद इनसाइड प्रेस, बाद में बॉटम कवर वो डाल दिया, फिर थोड़ा सेंटर जैसा करके फिर दो ऐसा रॉड होता है वो रॉड के अंदर बीच में रख के ऐसा दबा दे ऐसा, ठीक है ऐसा, तो दोनों के बीच में वो दबा जाएगा, तो ये ऐसा होता है ऐसा तो दब गया, तो ये लॉक हो गया, लॉक हो गया तो पेपर निकलेगा नहीं, ठीक है समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। यस सर। हाँ तो ये वायरो बोलता है। अभी एक दूसरा आता है बहुत पहले, अभी वायरो तो अभी 10 साल से निकला है, उससे पहले एक राउंड राउंड वायर आता था, वो मालूम ऐसा राउंड वायर हो, राउंड राउंड गोल 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 और बुक के ऊपर स्पाइन में लगाया हुआ होता है, राउंड वायर एल्बम में होता है, आप देखा होगा। हाँ सर देखा हुआ है। हाँ और कभी कभी तुम जो पढ़ाई करते हो वो बुक में भी ऐसा राउंड राउंड वायर होता है, बराबर है सर। हाँ तो वो उसको बोलता है स्पेरनाइट, और मैंने जो पहले बताया ऐसा करके वो बोलता है वायरो बाइंड, दोनों लूज सिटी के लिए यूज होता है, और स्पेरल बाइंडिंग और वायरो किस में यूज होता है, आपका लास्ट ईयर का डिप्लोमा हो तो यूज कर सकते हो, अगर लूज सीट है तो, अगर फोल्डेड है तो हार्ड बाइंडिंग भी कर सकते, ठीक है। हाँ सर। हाँ अच्छा अभी इसमें एक बात समझने का है, अगर समझ लो आपको स्पाइरल कराने का है तो स्पाइरल का ज्यादा यूज करना, क्योंकि वायरो होता है ना उसमें एक बार ऐसा लॉक हो गया ना फिर वो खुलता नहीं है, फिर खुलेगा ना तो डी शेप हो जाता है और खराब हो जाता है, तो वायर जो स्पाइरल बाइंडिंग गोल गोल होता है ऐसा राउंड राउंड, तो स्पाइरल बाइंडिंग कराएगा तो आपका कोई समझौता होगा 50 पेज का है और फाइनल डिप्लोमा है उसमें एक पेज में मिस्टेक हो गया, तो आपको पेज सुधार के वही साइज के अंदर वो गिरा के जहाँ स्पेरल कराया वहां जाकर वो गिरा के बदल सकते हैं आप, रिप्लेस कर सकते हैं, तो स्पेरल में हो सकता है, वायरों में तुम्हारे वहां जाना पड़ेगा और वो वायर निकाल के फेंकना पड़ेगा, इधर निकलेगा नहीं, और स्पेरल में तो आप घर पे भी कर सकते हैं या उसके ऊपर जाना पड़ेगा तो वो तो गिराना पड़ेगा, ठीक है। तो स्पेरल में आप रिप्लेस इजी कर सकते हैं, वही वायर काम लगेगा स्पेरल में, और वायरों में दूसरा वायर लेना पड़ेगा तभी भी, तो ठीक है। तो स्पेरल स्पेरल बाइंडिंग और वायरों किसमें यूज होता है वो मैंने बता दिया, बराबर। तो ये आपने किया नहीं है लेकिन ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, तो अभी मैंने क्या क्या करवाया आपको देखो, एक स्टेशनरी बाइंडिंग में पैड बाइंडिंग कराया और स्पाइरल बाइंडिंग का एक्सप्लेन किया, वायरों का एक्सप्लेन किया, दूसरा एक फ्लेक्सिबल बाइंडिंग का एक्सप्लेन नहीं किया, फ्लेक्सिबल बाइंडिंग अंडरस्टैंड नो, फ्लेक्सिबल बाइंडिंग मतलब ऐसा फैन करके फैन होता था इधर देखो, ऐसा फैन करके इधर नहीं, पहले ऐसे फैन करके रोटेट करना पड़ता है नीडल से या किसी से ऐसा 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 करके रोटेट करने, फिर दूसरी बार ऐसा फैन करने का अदर साइड और रोटेट करने का, बाद में इसको ऐसा फैन करके इधर फेविकोल पर लगाने का लिक्विड, और ऐसा ही फैन करके दूसरी बार तुरंत और ऐसा लगाने का, और बाद में इधर एक पतला पेपर लगा देने का थीम ऐसा करके ये इधर, ठीक है। तो और वो बाद में ड्राई हो जाएगा तो ये इसको फ्लेक्सिबल बाइंडिंग बोलते हैं या परफेक्ट बाइंडिंग बोलते हैं, अभी आपको मालूम पड़ गया इसको पैड बाइंडिंग नहीं बोलते, फ्लेक्सिबल बाइंडिंग,
या परफेक्ट बाइंडिंग, बैड बाइंडिंग वाला जो आपको मैंने आपके पास करवाया वो तुरंत निकल जाएगा। ये पेज ऐसा करके किया ना फैन बना के तो थोड़ा इनसाइड गया भाई को, तो थोड़ा ग्रिप ज्यादा रहे पेड से, ऑलमोस्ट डबल कवर रहे ग्रिप, बराबर है सर? हाँ। और उसके बाद ये परफेक्ट किया ना, उसके बाद ये कवर सलंग लेके लगा देने का, ऐसा कवर देखो ऐसा लेके स्पाइन बना के कवर ऐसा लगा देने का और इधर पेस्ट कर देने का। और देखो पेस्ट कैसा करने का, इधर टॉप करने का 5 mm स्पाइन में टॉप कर पेस्ट लगाने का और बैक साइड में 5 mm लगाने का और 2 sides ओपन क्रीज, तो वेरिकल लगाया उसके बाद 2 mm छोड़ के एक क्रीज इधर एक क्रीज इधर, तो आपका ये फ्लेक्सिबल या परफेक्ट बाइंडिंग हो गया। ओके सर? हाँ जी, मैंने इतना आपको बता दिया, जो नहीं किया है उसका एक्सप्लेन कर देता हूँ। दूसरा स्टेपल बाइंडिंग मैंने करवाया, जो परमानेंट बाइंडिंग बोलता है उसमें स्टेपल आता है, सेंटर स्टेपल और साइड स्टेपल आता है, वो साइड स्टेपल आपको नहीं कराया। जैसे एक टाइटल बॉटम इधर रख दिया, कार्ड के जो भी रखना है मतलब स्कोर बोर्ड रखेगा तो अच्छा है, और एक तो ऐसा कार्ड ऊपर रख दिया, बाद में ऊपर स्टेपल लगे 1 और 2 स्टेपल लगने के बाद इधर बाइंडिंग ग्लू का स्ट्रिप लगा दे, मतलब उसको स्टेपल बाइंडिंग, बराबर? नहीं समझ में आया क्या आया ये बोलो? बॉटम स्ट्रो बोर्ड, ऊपर सॉफ्ट पेपर कार्ड और बीच में इनसाइड आपका प्रिंटेड पेपर होगा या ब्लैंक जो भी है, और ऊपर से ग्लू स्टेपल मारा, बाद में उसको एक बाइंडिंग ग्लू का स्ट्रिप लगा दे बेटा और इधर पेस्ट कर देगा ऊपर से नीचे, और बाद में 3 sides कटे तो आपका हो जाएगा स्टेपल बाइंडिंग टॉप, बराबर? तो ये मैंने बता दिया, आपने मैंने आपको वो तो कर दिया है सेंटर का, लेकिन ये साइड स्टेपल बोलता है उसको, क्या बोलता है? साइड स्टेपल। यस, तो साइड स्टेपल अंडरस्टैंड? क्या नहीं हुआ ये बोलो? हाँ सर समझ गए। अभी दूसरा, अभी मैंने हार्ड बाइंडिंग करवाया आपके पास, ऐसा दिखाई देता है वो? यस सर। हाँ सर। हाँ हाँ, तो ये मेरे पास दूसरा कोई बुक है, इसलिए आप मार्डल के पास दूसरा है, लेकिन आपको जो करवाया ना हार्ड बाइंडिंग वही है। अच्छा, इसमें क्या होता है वो चीज समझ नहीं पाया आपको? देखो ये जो इधर स्पाइन में जो पट्टी आएगा जस्ट लाइक ये बाइंडिंग इधर आया, वही पट्टी वही ऐसा कॉर्नर आता है ऐसा दिखता है? नहीं दिखता। हाँ, ये सर। हाँ, और फिर इसको अगर मोड़ दे अंदर मोड़ देने का ऐसे, तो अभी मैं एक कागज का के दिखाऊं कि पूरा एक्सप्लेन नहीं। आप कर सकता है, इसमें कुछ नहीं है। देखो आप, देखो ये मैंने कॉर्नर का ऐसा काट दिया, ये दिखाई देता है ट्रायंगल काटा? एप्रोक्स, हाँ एप्रोक्स यहाँ आएगा ना, इतना थोड़ा बड़ा छोटा कटेगा चलेगा, लेकिन ये मैंने यहाँ से सीधा काटा है और बाद में ये काट लिया, ये काट लिया और यहाँ से ये दिखता है, दिखा ना? हाँ सर। हाँ, इसको भी ऐसा लाना है, देखो ये मेरे बुक के ऊपर लाया, आपको दिखाई देता है? तो दोनों बाजू 12 mm रहना चाहिए, ये बाजू 12 mm रहना चाहिए इनसाइड मोड़ने के लिए, और बाद में ऐसा ऊंचा करके देखो ऐसा मोड़ना है, ऐसा करके अंदर जैसे आपने पेस्ट किया था ना हार्ड बाइंडिंग में, ऐसा पेस्ट करना। देखो अभी ये दिखाई देता है?
दिखाई देता हाँ और ऊपर देखो ऐसा दिखे दिखाई देता है yes, तो ये बाजू लगाने का ये बाजू लगाने का और इधर बैक साइड में लगाने का और चारों का माप संख्या होना चाहिए राइट और इधर ये जो कॉर्नर है ना कॉर्नर का कैसा करना है कॉर्नर मोड़ने का ध्यान रखना है ऐसा काटेगा ना ये बैंक पर लगाया ऐसा रखा फिर इसको इतना बाहर रखना है ताकि सब में आप यूज कर सकते ये कागज थोड़ा बाहर रखा मैंने फ्री है कितना देखा नहीं दिखता कॉर्नर जो जो राइट एंगल होता है वहां आगे मैंने ये पेपर पेस्ट किया और इधर 3 mm बाहर रखा है दिखाई देता हाँ तो इसको ऐसा एक वन साइड मोड़ने के बाद इधर नाखून मारना है ताकि ये दूसरा इन साइड हो जाए तो ये कॉर्नर मस्त दिखे समझ में आया इतना बाहर रखना है 2 mm जितना बाहर रखना है और इसको पेस्ट करना है और ऐसा करना है फिर एक बार मोड़ने के बाद नाखून अंदर करना और बाद में दूसरा पसंद ऐसा परफेक्ट होना मिलेगा बराबर तो अभी ये मालूम पड़ा यहाँ तक बराबर है हाँ सर हाँ तो देखो इसको कहते हैं हाँ हाँ वो मैं बोलता हूँ देखो जो जो स्क्रिप्ट स्पाइन में होगा ये इधर जो स्पाइन में होगा जो स्क्रिप्ट वही स्क्रिप्ट का एक खुलिया बनेगा मतलब बाइंडिंग प्लेट ही होगा राइट हाँ तो ये हो गया फिर इसके बाद दोनों चारों खोना लगा देने का इसके बाद ये जो मार्बल पेपर मैंने एक खोना नहीं लगाया है इसलिए ये पेपर यहाँ से काट के अंदर मोड़ दिया और ये पेपर देखना ये जो लगाने का है ये पट्टी लगाया ना उसके बाद तुरंत ये लगाने का है तुरंत मतलब हाफ एन आवर के बाद मार्बल पेपर पहले नहीं लगाने का है मार्बल पेपर बाद के लिए समझ में आया ये दिखाने के लिए मैं ऊपर रखता हूँ लेकिन मार्बल पेपर लास्ट में लगाने का देखो अभी मार्बल पेपर जो होगा उसको किस तरह से काटना है देखो डायरेक्शन समझ नहीं रहा कैसे बैठने का ओके लगता है काटा जा रहा है उसको मैं एक कॉर्नर बताता हूँ आप समझ जाए देखो ये इधर पेस्ट होगा इतना अंदर मोड़ेगा और ये ऐसा करके इसके ऊपर लगाने का है तो थोड़ा सा और लिख करना तो 3 mm और ऐसा कलर कागज हो जाता है देखो ये दिखाई देता है नहीं दिखाई देता उसके ऊपर और लिख करना तो ये रेड कलर होगा ये रेड कलर होगा स्पाइन वाला पट्टी ये स्पाइन का पट्टी रेड होगा ये रेड होगा कॉर्नर और इसके ऊपर मार्बल डिफरेंट कलर आएगा और ये पेपर होगा बराबर है मार्बल पेपर होगा वो तो पेपर होगा ना कलर पेपर या कोई भी तो इसके ऊपर ये डिजाइन जचेगा नहीं जचेगा क्या जचेगा और इसको फिर अंदर मोड़ने का इसको लगा के जैसे आपको हार्ड बाइंडिंग में मैंने बताया जैसे अंदर मोड़ना है तो एक कॉर्नर कट लग जाएगा और हो जाएगा ठीक है तो अभी आप समझ गया ऐसा ऐसा पेपर काटना है यहाँ से ऐसा यहाँ से भी ऐसा और ये पेपर अंदर ऐसा मोड़ ले ऐसा फिर यहाँ से ऐसा और यहाँ से ऐसा टेस्ट हो जाएगा और देखना मोड़ने का जो पर्सन है वो 3-4 inch या 1 inch से ज्यादा नहीं रखना जैसे ये अंदर जाएगा तो 3-4 inch जैसा ये इधर 3-4 inch मतलब मेजरमेंट यहाँ से ये लेगा तो ऐसा ले लेगा जो मैंने किया था कल बताया था आपको मालूम है ना मालूम है कल मैंने एंड पेपर पेस्ट किया था एक बीच में कागज रख के हाँ तो ऐसा एक कागज इधर रख देना और बाद में आपने जो बाइंडिंग खुद का खुनिया लगाया ये पेपर मोड़ा इसके बाद ये एंड पेपर पेस्ट करना है
तो इधर बीच में से आउट अंदर से आउट गया था ब्रश लेके और मैंने ये पेस्ट किया तो ये सब अच्छा दिखेगा और वो जो अंदर मोड़ा है वो सब खराब नहीं दिखेगा तो दोनों साइड अच्छा हो रहा है बराबर है दिखता है तो ये हुआ अभी इसमें क्या होता है देखो अभी किसी ने पूछा था इसको कौन सा बाइंडिंग बोलता है पूछा था Okay. नहीं हाँ सर हाँ देखो हार्ड बाइंडिंग होता है इसके अंदर एक फुल बाउंड होता है जैसे एक कोई कपड़ा होगा या रेजिन होगा यहाँ से लेके पूरा ये स्पाइन में ये बाइंडिंग कोड नहीं आएगा यहाँ से लेके पूरा कवर करेंगे और ऐसा अंदर मोड़ेंगे रेजिन या कोई बाइंडिंग का स्पेशियल पेपर आता है वो कंटिन्यूस ले लेगा तो उसको क्या बोलता है फुल बाउंड क्या बोलता है क्या बोलता है फुल बाउंड यस फिर मैंने जो कॉर्नर का जो बताया ना उसको हाफ बाउंड बोलते हैं क्या बोलता है हाफ बाउंड और अब अभी आपके पास मैंने जो करवाया उसको बोलता है क्वार्टर मतलब कॉर्नर नहीं आएगा सिंपल वेरी सेक्शन सिलाई बाकी सब प्रोसीजर ऐसा है लेकिन दूसरा कुछ नहीं वेरी सिंपल वो इसको बोलता है क्वार्टर बाउंड तो अभी आपको मालूम पड़ा कि हार्ड बाउंड में 3 डिवीजन फुल बाउंड हाफ बाउंड एंड क्वार्टर बाउंड ओके सर हाँ तो तीनों मैंने समझा दिया फुल बाउंड में कंटिन्यूस कपड़ा या कोई स्पेशल बाइंडिंग का जो पेपर आता है वो उसको लेने का थोड़ा स्ट्रेंथ वाला होगा और पेपर आता है उसका थिकनेस शायद 170 जीएसएम होगा और ये यहाँ से आधा इंच तक लगेगा उसके बाद पूरा जाएगा और फिर पूरा इधर मोड़ेगा फिर एक बुक चक्कर में बाहर होगा उसके इधर मोड़ डालेगा और बाद में अंदर इंसर्ट करके ऐसा चल जाएगा ये ओपन करने के लिए मुझे जोड़ा जाता है और ये मैंने बना दिया ठीक है तो आपको तीन मैंने समझा दिया हाफ बाउंड पहले फर्स्ट फुल बाउंड फिर हाफ बाउंड जो मैंने कॉर्नर बड़ा बताया उसको हाफ बाउंड और ये आपके पास मैंने करवाया है क्वार्टर बाउंड ठीक है तो ये बच गया हाँ और व्हाट इज यूज द पैड बाइंडिंग बराबर तो पैड बाइंडिंग इज यूज टाइम बेटर है एंड रफ पैड मैंने पैड बाइंडिंग आपके पास करवाया है तो किसी ने यूज होता है वो मालूम पड़ गया बराबर है ये तो और जो हार्ड बाइंडिंग है फुल बाउंड है वो लाइब्रेरी बुक में यूज होता है और कॉस्टली पीसेस बुक में होता है वो फुल बाउंड होता है बराबर और हाफ बाउंड लाइब्रेरी बुक में होता है और क्वार्टर बाउंड लाइब्रेरी बुक में होता है वो दोनों इसमें होता है और देखो ये मैंने करवाया तो इसमें सॉफ्ट पेपर बैक बाइंडिंग होता है वो कैसे वो बाद में ऐसा कार्ड भी कर लेगा और उसमें क्रेजिंग होगा ऐसा बड़ा होगा ऐसा बड़ा होगा कपड़ा बताता हूँ कार्ड पेपर और यहाँ से वो क्रीज होगा मशीन और बाद में इधर ऐसा करके ऐसा लगाने ऐसा तो उसको सॉफ्ट बाइंडिंग तो जो हार्ड बाइंडिंग नहीं करना है और टाइटल पेस्टिंग करना है तो भी चलेगा टाइटल मतलब अडीसिव ये सब टाइटल और बाद में एंड पेपर पेस्ट कर डालने तो उसकी सॉफ्ट बैक बाइंडिंग ठीक है तो मैंने एक एक्सप्लेन कर दिया सिलाई तो करना ही है बराबर और क्वार्टर बाउंड और हाफ बाउंड लाइब्रेरी बुक में होता है और फुल बाउंड लाइब्रेरी बुक और कॉस्टली प्रिसिशन बुक में यूज होता है राइट अभी दूसरा इंजीनियर देखो इशू आता है वर्क आउट तो सिंपल का देखा
तो मैंने जो करवाया वो सब हो गया है एकॉर्डियल बाइंडिंग। हाँ व्हेन एकॉर्डियल बाइंडिंग यूज इसमें होगा जनरली एकॉर्डियल बाइंडिंग इज यूज फॉर चिल्ड्रन स्टोरी बुक्स एंड समटाइम फॉर ए स्पेशल डिजाइन जॉब। समझ में आया कि नहीं आया? কি ফালতু বকে যাচ্ছে তোমার থেকে পাগল একটা। ও अभी मेरे को कोई समझाने का नहीं रहा बराबर है। तो आपको इसमें कोई दिक्कत है तो बोलो, अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बोलो कहाँ कहाँ कोई मिस हो गया हो है कुछ हो है तो बोलो। मैंने ये भी बोल दिया कि जो स्टेपल बाइंडिंग और सेंटर स्टेपल और साइड स्टेपल तीनों बता दिया और सेंटर में एक थ्रेड स्टिचिंग भी करवा दिया ताकि वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। स्टेपल होगा तो टाइटल निकल जाता है कभी कभी ज्यादा यूज करता है तो मैंने एक थ्रेड स्टिचिंग भी करा दिया। कभी कभी वो भी करना चाहिए और बाद में स्पाइन मैनिकुलेट का पप्पी मार देना ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो स्टेपल में भी कर सकते लेकिन स्टेपल निकल जाने का चांस है बड़े और से बाइनिंग स्कीम बराबर। देखो स्टेपल बाइंडिंग इट इज यूज फॉर लेसर पेजेस मतलब कम पेजेस जनरली यूजफुल टू वॉल्यूम लो वॉल्यूम मैगजीन बैलेंसिंग एनुअल रिपोर्ट। इट इज वेरी फास्ट प्रोसेस बराबर। इन सब स्पेसिफिक जॉब और बुक्स टू रीबाइंड साइड स्टेपर इज यूजफुल बराबर है। तो आपको मालूम पड़ गया ना कि स्टेपल बाइंडिंग किसमें यूज होता है? जनरली यूजफुल फॉर लो वॉल्यूम मैगजीन बैलेंसिंग एनुअल रिपोर्ट बस। और ये वेरी फास्ट प्रोसेस जल्दी तुम्हारा प्रिंटिंग हो जाएगा इवन बाइंडिंग करने में एक ही दिन लगेगा और करके दे देना बराबर। और अभी आपको पेपर का साइज सब आपके पास आ गया है पेपर का जो भरत भाई ने इंफॉर्मेशन को साइज बोला वो आपके पास लिस्ट है कि नहीं है? बोलो नहीं है तो मैं दे वो भरत भाई ने इंटरनेशनल साइज लिया था भरत भाई आपके पास नहीं।
ठीक है, अभी लिस्ट मिल गया। हेलो सर। हाँ, तो अभी ये लिस्ट है ना,
मैं आपको अभी बैन आएगा ना मेरे को इतना देखो कंप्यूटर नहीं आता है तो अभी आपको पास सब कुछ मिल जाएगा ना ऐसा मैं एक भेज देता हूँ लेकिन देखो ये बाजू लिखा है ये जो प्रिंटेड है ना वो ये फोन का साइज क्या होता है वो सब ये मतलब डबल ए फिर ए टू फिर ए ओ फिर ए वन फिर ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव ए सिक्स फिर मतलब साइड लिखा है इसमें से अपने ज्यादा कौन सा यूज होता है वो याद रखना ए वन ए टू और ए थ्री और ए फोर और ए फाइव बस इतना ही यूज होता है मतलब ज्यादा करके तो ए थ्री और ए फोर यूज होता है चलो ए थ्री का कोई साइज बोलेगा मेरे को एम एम में या ए थ्री का बोलो पहले बाद में ए फोर बोलो कौन बोले सेंटीमीटर में बोलो या एम एम में एज यू लाइक सर A3 का साइज 29.7 सेंटीमीटर इनटू 42 सेंटीमीटर होता है यस एग्जैक्टली राइट ये सबको मालूम है हाँ सर हाँ और उसका A4 का साइज 29.7 इनटू 21 या सेंटीमीटर या एमएम में बोलना है तो 210/297 एमएम ठीक है हाँ सर हाँ तो ये ज्यादा यूज होता है ये थ्री और ये फोर इतना याद रखना बस ज्यादा कुछ नहीं और बाद में देखो एक आता है सनशाइन सुपर कंप्यूटर और ये उसमें क्या होता है 23/36 इंच आता है और 80 जीएसएम 100 जीएसएम 130 जीएसएम तो डिजाइनर नक्की करेगा कि मेरे को ये बुक में मेरे को 100 जीएसएम वापरना है या 80 जीएसएम वापरना है वो ऐसा करके कौन सा वापरने का है वो जब डिजाइनर हो जाएगा ना तो उसको मालूम पड़ गया कि ये बुक में मेरे को 100 लेना है या 130 जीएसएम लेना है या 80 जीएसएम बराबर फिर दूसरा आता है 18/23 मतलब 23/36 आता है उसका आधा आधा मतलब 36 का आधा होता है और 23 वही रहता है तो 18/23 बिल्ड वाइट प्रिंटिंग आता है वो 60 या 70 जीएसएम आता है बराबर और 18/23 वेस्ट पोस्ट कलर प्रिंटिंग पेपर आता है फिर 18/23 एग्जीक्यूटिव बॉन्ड पेपर आता है वो एग्जीक्यूटिव बॉन्ड किस में यूज होगा 80 या 100 जीएसएम आता है 18/23 एमएम वो किस में यूज होगा लेटर हेड में एग्जीक्यूटिव बॉन्ड पेपर किस में यूज होगा लेटर हेड में ज्यादा करके 90% बराबर मेरी बात सही है यस सर हाँ हाँ तो हाँ बराबर और बाद में आता है एक सिनार मास रॉयल मैट आर्ट पेपर वो आता है 23/36 24/36 और 25/37 मतलब 37 36 36 वो लेंथ है और विड्थ है 23 24 25 जो भी आपको पसंद है वो मंगा सकता है लेकिन ये लॉस नहीं है मैट आर्ट पेपर ये आजकल क्या है पहले तो हमारे मैट आर्ट पेपर बिकता ही नहीं था 25 इंच है तो हम लोग ग्लॉसी आर्ट पेपर वापस लेकिन अभी क्या है मैट आर्ट पेपर का बहुत चलता है और इसमें आता है 90 जीएसएम 100 जीएसएम 130 जीएसएम 170 जीएसएम तक आता है तो कौन सा जॉब है कौन सा पेपर लेना चाहिए तो मैट आर्ट पेपर आपको यूज करना है कलर फोटोग्राफ है तो ये मैट आर्ट पेपर आप ले सकते ठीक है वो भरत भाई ने सब एक्सप्लेन किया होगा ठीक है ना हेलो यस सर यस सर ऐसा ही सेम आता है वो सिनार मास रॉयल मैट आर्ट पेपर है ये रॉयल आर्ट पेपर आता है ग्लॉस तो ग्लॉस में भी जैसे 90 जीएसएम 100 जीएसएम 130 और 170 जीएसएम ठीक है ये दूसरा आता है 22/28 जो भी कार्ड होगा ना वो अभी
थोड़ा बहुत अलग अलग साइज में होता है लेकिन ज्यादा करते देखो रॉयल आर्ट बोर्ड आता है ग्लॉस तो वो 22x28 आता है और दूसरा रॉयल मैट आर्ट पेपर आता है वो आता है मतलब एक कार्ड है तो जो 170 GSM से ऊपर जाता है उसमें कार्ड मिलता है तो 23x36 रॉयल मैट आर्ट पेपर था 170 GSM तक पहले जो बोलता हूँ अभी जो बोलता हूँ वो 23x36 रॉयल मैट आर्ट पेपर मतलब कार्ड मैट आर्ट कार्ड पेपर और उसमें आता है 10 GSM 50 GSM और 300 GSM और उसमें एक कार्ड होगा कोट कलर प्रिंटेड होगा और कोई भी एनी बुक में कवर दे यूज अंडरस्टैंड ऑल मैट आर्ट आर्ट कार्ड और किसमें यूज होगा 200 या 300 कोई भी बुक होगा उसका कवर में यूज होगा ठीक है ज्यादा करके एक दूसरा काम में यूज कर सकते हैं तो काम कैसा है वो तो ज्यादा करके कवर में यूज होगा बराबर है यस सर हाँ फिर रॉयल क्रोमो आर्ट पेपर आता है क्रोमो आर्ट पेपर तो 23x36 आता है और दूसरा आता है 20 इंच बाय 30 इंच और 80-90 GSM आता है और वो किसमें यूज होता है तो बताएगा चलो क्रोमो आर्ट पेपर किसमें यूज होता है ये भरत भाई ने बताया तो नहीं पता नहीं बताया शायद ले गया बताया तो क्रोमो आर्ट पेपर CHROMO आर्ट पेपर 80 या 90 GSM वो क्या होगा वन साइड ग्लेज होगा वन साइड ग्लफ होगा मतलब स्लाइट लेगा और वन साइड एकदम ग्लेज आर्ट पेपर तो है लेकिन क्रोमो आर्ट पेपर वन साइड ग्लॉस और वन साइड ग्लफ इसको क्रोमो आर्ट पेपर होता है और ज्यादा करके लेबर इसमें जस्ट लाइक मेडिकल लेबर ऑपल के ऊपर लगता है बराबर है मेरी बात हाँ सर हाँ उसमें दो कलर फोर कलर डिपिंग हो गए साइज में बहुत के थोड़ा साइज में पत्थर हो गए ये फेस्ट होगा ऑटो में ठीक है ठीक है बराबर है सर हाँ तो अभी मैं ये लिस्ट आपको सबको भेज देता हूँ ना भेज दूँ मैम सर ऑफसेट पेपर अगर अवेलेबल नहीं है तो उसका कोई सब्स्टिट्यूट है ना ऑफसेट पेपर मिलेगा ही नहीं मिलेगा सनशाइन सुपर मतलब ऑफसेट पेपर कौन सा पेपर सनशाइन सुपर प्रिंटिंग अच्छा तो वो बाजार में 23x36 में मिल जाता है ओके सर हाँ मिलेगा हम लोग वही यूज करते हैं जो बुक बुक वर्क काम होता है उसमें पैटर्न छपेगा फिर फोल्डिंग होगा फिर बुक फोल्डिंग होने के बाद गैदरिंग होगा फॉन्ट डिजाइन
लेकिन आपको और बोलो अदर कुछ पूछना समझ लो ये फोर काटना है तो वो फिर 24x36 मंगाएगा तभी ये निकल फिर इसमें लॉस ले आएगा 23x36 ये सब है सबको मिल गया9427310954 देखो हमारे लिए ऐसा स्टडी करना पड़ता है क्या क्या आपने पूछा था ना सब बनाना पड़ता है कुछ पूछना नहीं है वो कुछ तो पूछे हाँ 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 बोलो कुछ अभी और पूछना है अभी यार खत्म होता है हेलो बोलो
Yes, ma'am. Yeah. Regarding the assignment, after this discuss with the Patel sir, please note down the assignment which you all have to complete till 26:04 p.m. Please write down hard binding. Let me speak check. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. Regarding the assignments, hard binding, wet binding, or Japanese binding. May say, कोई भी एक binding आपको जो है step by step with मतलब उसका paper होना चाहिए, step by step का process होना चाहिए. You have to prepare one PDF file and upload it in the Google Drive. For function ये आपका margin रहेगा 60 का out of 80 and जो आपने 21st, 22nd and 25th में जो बाकी remaining 3 जो left होते हैं इनके अलावा वो भी आपको show करना है final layout बस
उसका फाइनल प्रिपेयर्ड आउटलाइन वो प्रिपेयर्ड उसका 20 मार्क्स मैम समझ के अपने लास्ट में बोला ना वो क्या आप रिपीट कर सकते हो इन हार्ड लाइनिंग थ्रेड लाइनिंग और जैपनीज लाइनिंग के अलावा की बाइंडिंग और करवाइए सकते ठीक है सेंटर स्टेपल बाइंडिंग सेंटर थ्रेड स्टिचिंग सॉरी और करवाइए आपको रिपेयर तो खाली बाइंडिंग करनी है बट खाली बाइंडिंग प्रिपेयर करके जो आपको कमीशन लेना है प्लस और आपसे देख सकते हैं एक फाइनल जो आपकी पे रहेगी प्रिपेयर बाइंडिंग किन किन की सेंटर स्टेपल बाइंडिंग सेंटर थ्रेड स्टिचिंग और एकॉर्डियल बाइंडिंग इन तीन का आपका फाइनल एक एक क्लिप चाहिए सर को सबका वो 20 मार्क्स का रहेगा और पैड बाइंडिंग हार्ड बाइंडिंग और जैपनीज बाइंडिंग जैसे कोई एक बाइंडिंग आपको स्टेप बाय स्टेप विद क्लिक विद क्लिक मतलब इमेज के साथ आपको उसका प्रोसेस करना पूरा पीडीएफ फाइल प्रिपेयर करनी है वो 60 मार्क्स रहेगा आपको 60 प्लस 20 इक्वल टू 80 मार्क्स आपका असाइनमेंट आपका फाइनल प्रेजेंटेशन रिगार्डिंग द सेम अगर किसी को कोई डाउट है तो आई हैव टू क्लियर तीन में से एक हाँ तीन में से एक करना है कोई भी फाइनल विद पिक्चर्स लाइक कि हार्ड बाइंडिंग कर रहे तो उसका एक स्टेप है ना क्लिक कर देना और प्रोसेस का पीडीएफ यू हैव आल्सो डिजाइन उसको आप अगर कोई ट्राई करना चाहते किसी को कोई डाउट साक्षी यस मैम इट इज क्लियर नाउ थैंक यू एनीवन एल्स वांट टू आस्क सम क्वेश्चन और इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू मैम जो हमें पीपीटी बनानी है उसमें बाइंडिंग का भी एक टॉपिक है सो वी हैव टू यूज द सेम फोटोज और हाँ यू कैन बट जो जो सर ने भी प्रिंटिंग के लेक्चर में बाइंडिंग का कुछ बताया था साक्षी नहीं अभी तक तो नहीं बताया कुछ उन्होंने नहीं बताया था ना पर उन्होंने जो एक क्वेश्चन किया है उसमें प्रिंटिंग का वो इसलिए क्योंकि सेकंड हाफ में भरत पटेल सर आप लोगों को बता रहे हैं ना रिगार्डिंग प्रिंटिंग तो यू हैव टू यूज दिस इमेज टू आल्सो राइट ओके सर ओके यस मैम किसी और को कुछ पूछना है ये वाला एंड करते हैं और फिर विल मीट इन सीएफ लेकिन आपको क्या करना है আজকে সিএফ না বিল করে দিয়েছে তার উপরে कोई और डाउट अनिल अंकित आरुषि प्रीति ऑन बिहाफ ऑफ सबके अखिल और साक्षी किसी को कोई डाउट नहीं मैम अभी तो कुछ नहीं अभी कुछ नहीं और अगर कुछ होता भी है बाय चांस अगर लगता है तो यू कैन मैसेज मी और सर आल्सो रिगार्डिंग द सेम और अगर कुछ ऐसा लगता है कि हमें कहीं अटक रहे हैं या कुछ ऐसा पूछना है इसके आगे मैसेज किया था तो सर को कभी कॉल कर लेना और सर आपको कभी रिस्पॉन्स
हाँ मैम थैंक यू सर 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 Thank you.